हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार और जय माता जी की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब विंटर आ गया, सर्दी आ गई है, तो सर्दी में जो अल्कोहल लवर है उनके लिए क्या बेस्ट है पीने में। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आए लाइक एंड शेयर। और बताएंगे इस वीडियो में कि ओल्ड मोक, मॉर्फियस ब्रांडी और केसर कस्तूरी किस तरह से आप सर्दियों में आराम से ले सकते हैं, मतलब इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, क्योंकि हम हमेशा अल्कोहल रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हमेशा अल्कोहल रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको एक एक करके ओल्ड मुख के। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ओल्ड मुख की, और ये तीन बॉटल मेरे पास है केसर कस्तूरी की। इन तीनों का मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया है, मॉर्फियस का भी आपके सामने कर दिया है। और बहुत से लोग, हमारी एक रिक्वेस्ट है बहुत से लोगों से कि हमारे लोग, बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, यही है कि हमारी जो भी वीडियो आएगी आपसे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो नीचे चैनल पर सब्सक्राइब कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिख रखा है, उस पर क्लिक जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ओल्ड मोक जो कैंटीन की बोतल आती है, मतलब आर्मी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस और आर्मी वालों को सबसे दी जाती है, अपने फौजी भाई लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। और ये चीज़ ही अलग है, इसको ब्लेंड होने में 7 ईयर का वक्त लगता है, ये रम ऐसा है। और इसको अगर आप सर्दियों में एक लिमिटेड मात्रा में लेते हैं तो काफ़ी बेटर इसका रिजल्ट आता है। और बहुत से घरों में आज भी अगर कोई बच्चे वगैरह है, किड्स वगैरह, उनको अगर सर्दी जुकाम लग जाती है तो कभी कभी इसकी एक, मतलब जैसे दवाई पिलाते हैं उस रूप में एक ढक्कन पिलाते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक बच्चों को खांसी जुकाम से रिलीफ मिलता है। और उसके बाद सेकंड जरिया अगर बात करें तो वो है मॉर्फियस ब्रांडी, जो सर्दियों की, मतलब कहा जाता है कि खुराक दवाई, ऐसा कह सकते हैं इसे। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल लाल है, रेड मॉर्फियस ब्रांडी, और बॉटल बिल्कुल, इसका कैप वगैरह मैंने इसका पिछले सीजन में भी वीडियो बनाया था। ओल्ड मुख की मैंने आपको प्राइस नहीं बताई थी, ओल्ड मुख की प्राइस आपको राजस्थान में 455 रुपए की आपको मिल जाएगी, और मॉर्फियस की बात करें तो 1030 रुपए का आपको राजस्थान में मिल जाएगा। ये आप देख ही सकते हैं मॉर्फियस। और इसके अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें हल्के से आप जैसे कोई सिरप पी रहे हो उसके हल्का सा आपको फ्लेवर आएगा उसमें, मतलब आपकी पता चल जाएगा उसमें क्या है इसमें। और ये 750 ml का बॉटल है दोनों। और अब नेक्स्ट बात करेंगे हम केसर कस्तूरी, जो कि पहले राजस्थान में अलग आता था, अब पैकिंग चेंज हो चुका है, RS GSML कंपनी लिमिटेड श्री गंगानगर शुगर मिल से ये बनाई जाती है केसर कस्तूरी। पहले इसका पैकिंग कुछ अलग आता था, अब बॉटल वगैरह, लेबल वगैरह सब चेंज कर दिया है। कलर आप देख सकते हैं कि इसका येलो कलर है, जैसा केसर का कलर होता है। अगर प्राइस की बात कर राजस्थान में, तो ये एक और ख़ास बात दोस्तों बता देता हूँ कि मैं ये राजस्थान के अलावा कहीं पर नहीं मिलेगी आपको, ओनली राजस्थान स्टेट में मिलेगी। 550 रुपये का ये बॉटल है, राजस्थान के अलावा ये आपको कहीं नहीं मिले, क्योंकि ये यहाँ की लोकल है। और अगर दोनों के ब्रांडी और ओल्ड मुख की बात करें तो दोनों में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन केसर कस्तूरी कुछ अलग है। इसको भी आप सर्दियों में ले सकते हैं, और केसर तो शरीर के लिए फ़ायदा ही करता है, आप जानते ही हैं। और ओल्ड मुख, ब्रांडी और केसर का मैंने आपको आज कंपेरिजन इसमें बताया है। दोनों के प्राइस रेट की बात करें तो एक, मतलब डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है। ओल्ड मुख 500 के अंदर है और ब्रांडी वापस चली जाती है 1000 के ऊपर, और 550 की आपको केसर मिल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।